नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान से जारी तकरार के बीच सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। पठानकोट हमले पर हो सकती है बात, 4 अगस्त को होगी गृह सचिवों की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के नौगाम में जिंदा पकड़े गए आतंकी का खुलासा, एनआईए की पूछताछ में लश्कर आतंकी होने की बात कबूली। कश्मीर हिंसा का फायदा उठाना था मकसद, 2 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। कश्मीर में भड़के हिंसा पर आतंकी हाफिज सईद का कबूलनामा, कहा हिंसा की अगुवाई कर रहा था लश्कर का कमांडर, बुरहान वानी को बताया लश्कर का वीर। मंदसौर में गौरक्षा के नाम पर महिलाओं की पिटाई के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने वीडियो से 4 आरोपियों की पहचान की। मंगलवार को गोमांस रखने के शक में कुछ लोगों ने की थी 2 मुस्लिम महिलाओं की पिटाई। आप विधायक नरेश यादव को मलेरकोटला कोर्ट से झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, नरेश पर धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का है आरोप। पहलवान नरसिंह यादव पर आज नाडा में होगी अहम सुनवाई, विवाद के बीच सुशील कुमार के कोच सतपाल ने कहा नरसिंह का कराया जाए नार्को टेस्ट। बराक ओबामा ने की हिलेरी क्लिंटन की तारीफ, कहा हिलेरी के हाथों में ही अमेरिका सुरक्षित, देश को बर्बाद कर देंगे ट्रंप। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है हिलेरी। तो इस वक्त की बड़ी खबरें देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।